करनाल के प्रसिद्ध समाज सेवी देशराज गुप्ता की धर्मपत्नी संतोष गुप्ता का अचानक निधन हो गया है। संतोष गुप्ता बड़ी समाज सेविका भी थी। आपको बता दें कि करनाल के सेक्टर 13 स्थित मकान नंबर 892 में रहने वाले समाज सेवी देशराज गुप्ता भी बहुत बड़े समाज सेवी हैं। उनकी धर्मपत्नी संतोष गुप्ता के अचानक निधन से पूरे करनाल जिले में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई राजनीतिक हस्तियां उनके शोक पर गहरा दुख व्यक्त कर रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पारिवारिक सदस्यों को सांत्वना भी भेजी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार त्रिलोचन सिंह ने भी संतोष गुप्ता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि संतोष गुप्ता कुछ समय से अस्वस्थ थी। उनके पुत्र अनिल गुप्ता और सुनील गुप्ता अंतिम समय में अपनी माताजी के साथ ही रहे। हालांकि समाज सेवी देशराज गुप्ता अपनी धर्मपत्नी संतोष गुप्ता से काफी स्नेह रखते थे। जब समाज सेवी देशराज गुप्ता हरियाणा सरकार में एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर हरियाणा वासियों की सेवा कर रहे थे, तो उस समय संतोष गुप्ता केवल अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि पूरे पारिवारिक सदस्यों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। संतोष गुप्ता न केवल खुद धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बल्कि वह अपने पुत्रों अनिल गुप्ता, सुनील गुप्ता और अपनी बेटियों उमा गुप्ता और रेणु गुप्ता को भी धर्म के रास्ते पर चलने की हमेशा सीख देती रही। नतीजा यह रहा कि उनके दोनों पुत्र अनिल और सुनील करनाल में हमेशा धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होकर अपने परिवार का मान सम्मान भी बढ़ाते हैं। संतोष गुप्ता ने अपनी औलाद को हमेशा समाज की सेवा करने का जो रास्ता दिखाया है, वह उन्हें रास्ता दिखाने में कामयाब भी रही, क्योंकि संतोष गुप्ता के दोनों पुत्र आज समाज सेवा में भी न केवल अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि लोगों की हर संभव मदद कर उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार में सरकारी सेवाएं देने के बाद देशराज गुप्ता ने मन में ठान लिया था कि वह अब समाज सेवा का रास्ता अपनाकर लोगों की सेवा करेंगे, और यह सब देशराज की धर्मपत्नी संतोष गुप्ता द्वारा समझाई गई बातों का ही नतीजा था, क्योंकि वह जानती थी कि समाज सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और इसी रास्ते पर चलकर ही परमात्मा को हासिल किया जा सकता है। देशराज गुप्ता एक नहीं बल्कि करनाल की एक दर्जन से अधिक जानी मानी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। वह शिव कृपा मंडल करनाल के प्रधान भी हैं और शिवपुरी के भी प्रधान रह चुके हैं। इसके अलावा देशराज गुप्ता करनाल स्थित गौशाला श्याम परिवार, सेवक सभा करनाल तथा प्रभु कृपा मंडल समेत कई संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब किसी भी बच्चे के माता पिता अच्छे संस्कारों से लबरेज होंगे तो उनकी औलाद भी संस्कारवान भी बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। कहते हैं ना, यदि औरत चाहे तो अपने घर को स्वर्ग से भी सुंदर बना सकती है। बस इसी तरह की सोच लेकर स्वर्गीय संतोष गुप्ता भी चल रही थी। अपनी पत्नी के निधन के बाद उनके पति देशराज गुप्ता आज गमगीन है। माँ के जाने के बाद उनके पुत्र और बाकी पारिवारिक सदस्य इसे अपने लिए बहुत बड़ी क्षति मान रहे हैं। समाचार एक्सप्रेस ऐसी महान समाज सेविका को नतमस्तक करता है और प्रभु से कामना करता है कि ऐसी महान आत्मा को वह केवल अपने चरणों में स्थान दे। संतोष गुप्ता की अंतिम विदाई अगली 18 मार्च यानी बुधवार को करनाल के सेक्टर 14 कृष्णा मंदिर में दोपहर 2 से 3 बजे तक संपन्न होगी। परिवार वालों का विशेष आग्रह भी है कि कोई भी व्यक्ति पगड़ी लेकर ना आए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।